हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको सैम ब्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है सैम का ट्वाइज, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा ट्वाइज है इसका, बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये सारा ट्वाइज को आज मैं क्लीन करूंगी। तो क्या है कि सैम का जो ट्वाइज है, मैं 10 से 15 दिन के बीच में एक बार इसका ट्वाइज जो है क्लीन कर देते हैं। तो आप लोग भी अगर बच्चे का ट्वाइज है तो एक बार ज़रूर 10 से 15 दिन के बीच में आप लोग क्लीन कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि फर्श पे बिखरा रहता है ट्वाइस, इसमें जब बहुत सारा जो है गंदा लग जाता है, धूल मिट्टी भी लग जाता है, तो और बच्चा खाना वाना भी खाता है तो नीचे गिर जाता है, तो वो सब भी लग जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो ट्वाइज है उसको 10 से 15 दिन में एक बार जरूर क्लीन करना चाहिए। और अगर 6 मंथ 7 मंथ का बेबी है तो उसका ट्वाइज जो है वीक में एक बार आप जरूर क्लीन करिए। क्या है कि सैम तो जो है अभी बड़ा हो गया है, तो ये जो फिंगर है माउथ में नहीं डालता है, लेकिन 7-8 मंथ का जो बेबी है वो जो है माउथ में डालता है फिंगर। तो उससे क्या होता है कि बच्चा खेलते रहता है और फिंगर जो है बार बार डालता है, तो उसमें वायरस जाने का चांस रहता है, बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है पेट में। तो आपको ना हर हमेशा क्लीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो सैम जो है माउथ में नहीं डालता है, तो मैं फिर भी इसको करती हूँ क्लीन 10 से 15 दिन के बीच में एक बार ज़रूर इसका क्लीन करती हूँ। तो चलिए अभी मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी सारे को हम ले चलते हैं, इसको पानी से वॉश करेंगे, तभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सैम जब भी खेल लेता है तो मैं इसी थैला में इसको पैक कर देती हूँ, और उसके बाद से जब इसको खेलना है तो खेलता है, उसके बाद से ये खुद ही अपना उठा करके रख देता है। तो चलिए हम चलते हैं इसको वॉश करने के लिए। चलो, और आपको हर हमेशा फर्श को भी क्लीन करना है। फर्श क्लीन रहेगा तो ट्वाइज जो है गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम ट्वाइज को ला लिए हैं और अभी हम क्लीन करेंगे। तो आपको क्लीन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको सबसे पहले लेना है हल्का सा गुनगुना पानी। यहाँ पर हम ले लिए हैं गुनगुना पानी, तो गुनगुना पानी को एक टब में डाल देना है। और उसके बाद से थोड़ा सा इसमें हम पानी को जो है मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से ये हम लिक्विड इसमें डालेंगे। तो ये लिक्विड जो है पिजन का है, और इससे हम क्या करते हैं कि सैम का ट्वाइज और जो भी इसका बॉटल वगैरह है उससे मैं क्लीन करती हूँ। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको कोई भी शैम्पू लेना है और उस शैम्पू से आपको क्लीन करना है। पानी में शैम्पू को डाल दीजिए, उसको अच्छे से झाग बना करके और अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो क्या है कि मेरे पास है तो मैं इसी से करती हूँ, कभी भी करना रहता है। तो पानी में जो है आपको लिक्विड थोड़ा सा डाल देना है, और डालने के बाद आपको एक झाग तैयार कर लेना है। उसके बाद आप पूरा ट्वाइज को डाल दीजिए। यहाँ पर जो सैम का ट्वाइज है एक बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है और बिल्कुल नया की तरह लगने लगा था। अब हम इसको एक बाल्टी में निकालेंगे, निकालने के बाद इसको हम धूप में सुखाएंगे। तो आपका मर्जी, अगर धूप में सुखाना है तो धूप में सुखाइए, नहीं तो पंखे के नीचे भी रख दीजिए तो सूख जाएगा। तो अभी जो है जितना भी ट्वाइज है इसको अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। डाइनिंग टेबल पर हम इसको फैला दिए हैं सूखने के लिए, फैन को ऑन कर दिए हैं। तो ये आधा से एक घंटा में जो पानी है इसका सूख जाएगा, उसके बाद से सैम को मैं दूंगी इसको खेलने के लिए। तो क्या है कि मैं धूप में आज नहीं डाल पाई, क्योंकि धूप में जो है अच्छा धूप किया है लेकिन हवा जो है बहुत तेज़ चल रहा है, तो थोड़ा सा अभी पानी से गीला है और धूल मिट्टी भी पड़ जाएगा तो और ज़्यादा डस्ट पड़ जाएगा तो गंदा हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको डाइनिंग टेबल पर फैला दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों का जो है ट्वाइज क्लीन करिए।
तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।